फन. हम लोग तो आज के जैसा नहीं कि त्योहार आ जाता है और रियलाइज होता है कि अरे त्योहार आ गया. पहले तो कुछ 10-15 दिनों से ही तैयारी शुरू हो जाती थी एंड वी यूज टू रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑल द फेस्टिवल, स्पेशली होली, क्योंकि होली काफ़ी इलैबरेट एक प्रोसेस होता था. होली के 8 दिन पहले से मॉम जो है वो आंगन में मिट्टी और गोबर से एक चौक लीपती थी और उस पे आटे से और गुलाल से उसको डिज़ाइन उसका बनाया जाता था. बिकॉज दिस यूज़ टू बी द प्लेस जिसमें होलिका वाले दिन, छोटी होली वाले दिन, होलिका जलाई जाती थी. वाह तो इट इज़ सेड कि आपको उस जगह को प्योरीफाई करना होता है और उन 8 दिनों के पहले गोबर के कंडे बनाए जाते थे. इट्स कॉल्ड समथिंग वेरी फैंसी, सम काउडंग, पता नहीं, मैंने ऑनलाइन भी देखा था. आजकल उसका एक बहुत फैंसी नाम है, वो जो एक्चुअली उपले होते हैं ना, गोबर के कंडे बोलते हैं, तो वो बनाते थे अलग अलग साइजेस के. तो एक इतने बड़े साइज का बनता था, उसमें बीच में वो करके रखते थे एक, छेद हाँ, छेद छेद करके रखते थे और वो अलग अलग साइज के होते थे. द आइडिया यूज्ड टू बी कि वो जब सूख जाते थे तो एक रस्सी से उनकी माला बनाई जाती थी और वो साइजेस के हिसाब से उसका एक पिरामिड बनता था. बड़े साइज का कंडा, फिर छोटा 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 करके ऐसे कंडा बनता था. एंड इट यूज़ टू बी एन ऑड नंबर, मतलब सबसे नीचे वाला अगर 11 है तो उसके नीचे उसके ऊपर वाला 9, फिर 7, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, ऐसे करके एक पिरामिड बनता था. और उसको जो लकड़ी होती थी वो कभी पेड़ से तोड़ते नहीं थे. जो टूटी हुई लकड़ी मिल जाती थी पेड़ों के नीचे या आसपास, खाली वही लकड़ी उसमें यूज़ होती थी. और फिर वो उसको बना के धागा वागा डाल के छोटी होली वाले दिन उसकी पूजा की जाती थी, उसे जलाया जाता था. एंड देन नेक्स्ट डे वी वुड सेलिब्रेट इट विद कलर्स. वाह तो हमारे यहाँ पे टेसू के फूल मिलते हैं ऑरेंज कलर के. उसको हम एक रात पहले ही बाल्टियों में, पहले तो भाई वो मग और बाल्टी से नहाने का रिवाज था, शावर वाले वो तो थे नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल तो उसमें भिगो के रख देते थे बहुत सारे. और जो घरों में वो होते थे, हौदियाँ होती थी, टैंक्स, उसमें डाल के रख देते थे एंड देन उससे खेला जाता था. और मम्मा इतनी सारी चीज़ें बनाती थी. देर यूज़ टू बी खीर, देर यूज़ टू बी टिक्की, देर यूज़ टू बी गुजिया. एंड वाह मेकिंग गुजिया ऑल्सो यूज़ टू बी लाइक एन इलेबरेट प्रोसेस जिसमें घर की सारी महिलाएं और आदमी भी, मतलब, हेल्प करते हेल्प हैं करते थे. आई बिल्कुल रिमेम्बर कि हम चाची, मैं, दीदी, मॉम, हम सब लोग, कोई बेल रहा है, कोई उसमें मावा भर रहा है, कोई सो उसको मच फोल्ड कर रहा फन, है. इतना मजा. एंड सॉन्ग्स होते थे, डांसेस होते थे. एंड देन उसको एक बेड पे अच्छे से ना वो रख के, चद्दर बिछा के, वो बोलते थे गुजिया को सुला दो थोड़ी देर, बिकॉज उसको ड्राई करना होता है सूखने हल्का सा. सुखाने के लिए. हाँ, बट इट यूज टू बी कवर्ड. और सर्दी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो रही होती थी और गर्मी आने वाली थी, तो पंखा चलने लगता है हल्का हल्का, तो वो एकदम ड्राई नहीं हो जाता था. उसको रज़ाई से कवर्ड रखते थे और फिर जस्ट तलने से पहले वो गिने जाते थे कि कितने हुए. एंड बाहर से मम्मी पूछती थी, हाँ कितने हुए, एंड उनसे, अच्छा ये 91 हो गए, चलो 10 और बना लेते हैं, यू नो. एंड देन इट यूज्ड टू बी लाइक वो पहले ज़माने में आटा और घी का कनस्तर होता था ना, वो भर भर के श्वेता हम लोग बनाते थे. और वो 3 दिन, तो मतलब मैं बहुत बोल रही हूँ, पहले ही दिन से वो मतलब ऐसा कनस्तर खाली होने लग जाता था. सो इट यूज टू बी लॉट ऑफ फन. एंड देन ऑफकोर्स यूज टू प्ले. थैंकफुली हमने कभी वो गंदी वाली होली नहीं खेली जिसमें पेंट, ग्रीस या कीचड़ करते हैं. इट वॉज ऑलवेज ड्राई होली. पानी की भी खेलते थे, लेकिन अब वी बिकम मोर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, तो एक्सट्रीम हम या पानी उतना वेस्ट नहीं करते. बट या सॉरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे. कुछ दिन पहले ही एक लड़का महिला के साथ रेलवे आई स्टेशन डोंट थिंक पे दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म. सिर्फ लेट्स एक स्टिक सवाल टू था नो, आपके लेट्स एंड स्टिक टू से. द शो प्लीज प्लीज. दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट. एनी वन आपकी एल्स? कोई मेमोरी सीजन वन से जुड़ी हुई दैट विल नेवर फॉरगेट? त्योहार की थाली सीजन वन से जुड़ी हुई कोई मेमोरी? त्योहार की थाली सीजन वन में देर वॉज वन पर्टिकुलर एपिसोड जब मुझे मावा कचौड़ी बनानी थी एंड मुझे उसका फ़ोटो दिखाया गया नेट पे से वो करके कि मैम ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए. और मुझे तो पसीने आने लगे. मैं बना नहीं सकती बिकॉज इट्स लुकिंग ओनली सो इलेबरेट एंड एग्जॉटिक. एंड मैं बहुत घबरा रही थी उसे बनाने के लिए और बहुत उसके स्टेप्स थे, बट
when I got into the process, ek ke baad ek wo ho gaya and it came out so well. Everything that it looked exactly the way jaisa wo photo mein hona tha. So I felt pat on the back. Yeah, yeah. I felt very happy and it was a great sense of achievement. Aww. So and can we expect your family or your mother or someone, kyunki aap apni maa se judi hui sari recipes bana rahe hain, to kya hoga aisa aane wale episode mein jahan pe hum aapki mom ko dekhenge? मेरी सिस्टर तो शो पे आई और हमने रक्षाबंधन का एपिसोड साथ में सेलिब्रेट किया. मैंने गुलाब जामुन बनाए और पनीर की पोटली बनाई. शी लव्स कुकिंग, तो वी हैड अ ग्रेट टाइम. एंड हमने मेरे ब्रदर से भी बात की वीडियो फ़ोन पे. मेरी मॉम को मैं लाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ. मैं सीज़न वन से कोशिश कर रही हूँ कि वो यहाँ पे आए, बट आई थिंक शी इज़ वन स्टार. मतलब उनके इतने नखरे हैं कि वो उनको मैं बोलती हूँ कि मम्मा अब मैं आपका करा दूँ टिकट आ जाओ, तो शी कम्स अप विद रैंडम एक्सक्यूजेज कि नहीं अभी तो घर में शादी है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ. फिर कभी कभी वो अजीबोगरीब बातें करने लगती हैं कि नहीं अभी तो यहाँ सर्दी बहुत है. मतलब सर्दी बहुत है का यहाँ आने से क्या मतलब है? इसलिए वो यहाँ आना, हमें आना चाहिए. हाँ, फिर वो बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं साड़ी क्या पहनूँ. इस तरह से वो मुझे चकमा दे रही है. बट आई रियली होप कि आई कैन ब्रिंग हर टू दिस किचन. और नहीं आ पाई तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट उनको एक वीडियो कॉल के जरिए तो मैं सबसे मिलवा ही दूँ. श्वेता इज 8/10. हाँ, मदर इज 10/10, बट शी इज 8/10. आई नेवर न्यू ऑनेस्टली कि शी विल बी सो गुड, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने साथ में कुकिंग कभी नहीं की. तो एंड देन आई थॉट कि ये चली गई अमेरिका, तो पता नहीं अब वहाँ पे ये वो ही खाती होगी, पास्ता पिज़्ज़ा ब्रेड एंड ऑल दैट. बट द वे शी जस्ट टुक ओवर यू नो ऑल दोज थिंग्स की बहुत अमेजिंग. अरबी का टुक बनाया उसने अभी सिंधी दिस थिंग एंड आई हैड ऑल ऑफ इट वॉज सो नाइस. सो आई थिंक शी इज़ एक्सेलेंट. मतलब बहुत 8/10 ईजिली. धन्यवाद. आपकी 14 साल बाद जब आपने शूट किया साथ में, आज कैसा लगा और क्या मतलब वो पुरानी मेमोरीज के साथ था? आई फील दैट हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से हमने वो उठा लिया उसी दिन से, बिकॉज हम लोग टच में रहे हैं ऑल दीज ईयर्स व्हाट्सएप वगैरह पे एंड वी ऑलवेज बीन लाइक वेरी क्लोज. सो इट वॉज लवली. बहुत अच्छा लगा कि हम वापस साथ में काम कर पाए थैंक्स टू दिस शो, और ऐसी चीज़ कर पाए जो हमें बहुत, हम हमेशा उस बारे में बहुत बात करते हैं खाने के बारे में. हाँ, तो उस चीज़ को लेकर हम इकट्ठे हुए फिर से और उसे शेयर कर पाया. आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर मी. साक्षी के शोज और फिल्म्स कितना देखती हैं आप बाहर न्यूयॉर्क में? अरे मुझे जब पता चला इसे इन्हें दंगल मिली थी, आई वाज सो एक्साइटेड एंड शी इज़ फैबुलस. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर. मैं इनके लिए हमेशा प्रे करती हूँ कि ये खूब तरक्की करें एंड कर रही हैं, तो माई प्रेयर्स आर वर्किंग. एंड नॉट ओनली दैट, आई मीन मैं तो यहाँ पे हूँ इस सब के बीच में मैं करती हूँ, बट श्वेता इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क ओवर देयर. Very interesting short films and ads and all. She keeps sharing the links with us and I want ki zyada zyada log dekhein aur wahan pe jo opportunities create ho rahi hain. I hope Shweta you be a part of all of that. Thank you. Thank you, sweetie. Really. See you guys working together again. I hope aaj so. Kar liya, ab karenge hopefully very soon. Hopefully New York. Yeah, yeah. अब तो पता है क्या हो गया है, अब तो मेरे नीस और नेफ्यू दे हैव टेकन ओवर. सो दे आर द न्यू जनरेशन हैज टेकन ओवर एंड दे हैव देयर ओन प्लान्स एंड दे इवन प्लान. हम तो पुराने कपड़े पहनते थे कि यार ये खराब हो रहा है अब इसको निकालना है तो लेट्स वेयर समथिंग ओल्ड. दे तो बाय क्लोथ्स कि ये वाइट है तो इसमें कुछ कलर अच्छे से पता चलेगा बुआ. एंड दे गेट इन टू इलेबरेट प्रोसेस एंड दे हैव प्लान्स कि इतने बजे तक फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, देन विल कम होम, विल ईट, देन विल गो आउट, देन विल डांस एंड ऑल. सो एवरीथिंग इज प्लान बाय द किड्स एंड वी जस्ट फॉलो देम, क्योंकि हम लोगों को मुझे तो ऐसे लगता है कि छुट्टी है तो मैं आराम करूँ, बट दे ड्रैग मी इन टू एवरीथिंग. तो दे विल बी अ लॉट ऑफ डांस, दे विल बी धमाल, दे विल बी कलर्स, दे विल बी फूड. And it'll be a great family time. And hopefully this time the friends are also here. So it'll be one massive dhamal time. What is your favorite song? Holi ka. Mujhe to ek folk song yaad aa raha hai. I don't know. Do you remember? Which one? Holiya mein ude re gulal, mariye mangetar. You remember any other? Mera wo Amitabh Bachchan wala favorite hai. Rang Barse. Rekha Rang Barse. It's my all time favorite. So yeah. Yeah, please. Are you planning to compile this in a book?
गुड आइडिया यार, थैंक यू सो मच. आई थिंक आई विल जस्ट शेयर दिस विद द एपिक टीम एंड द प्रोड्यूसर्स. निधि एंड अश्रव, आर यू लिसनिंग? I think we got yeah, thumbs up. That's a great idea. Thank you so much. All classic recipes. Yes, yes, yes. Although Epic ka jo app hai, Epic on, uspe all these recipes are there and these episodes are people are. But for people like you, a book is better. I think I can carry it with me. Yeah, yeah, yeah. I think you can also pass it on to the next generation. So thank you so much for this idea. Yeah. Lastly, if you can wish your viewers, guys. Any of the festival that you are looking ahead in season 2 to be celebrated and you are excited about it? I am excited about all the festivals in season 2 because traditional festivals ke alawa, matlab there are all the big festivals jo hote hain, aapka Janmashtami hai, there is Raksha Bandhan, but apart from that there are many other festivals that we have done. Not only festival, we have also celebrated some of the gurus and some of the spiritual people that we've had. तो हमारा एक episode है जो कबीर को dedicated है, फिर हम आज जो shoot किया श्वेता के साथ वो झूलेलाल को dedicated है, then महावीर जयंती हमने की है, then we have done very interesting नागपंचमी is there. A lot of festivals are there. So I think there is lots to expect from season 2. Lot of interesting foods, nice. Not just the elaborate Indian food, but we've also done Easter. So we had small kids who would come over. We'd bake the cake together. It was so much fun. Did you hide eggs everywhere? No, so we had. Just kidding. No, but we had a great time and it was so much fun. That's if you can wish your viewers. Okay. So, श्वेता और मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी होली.